वीडियो में बताएंगे हम आपको, E1 लिख के आता है मशीन में तो क्या करेंगे आप, ठीक है? E1 लिख के आता है तो क्या करेंगे, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, बिल्कुल सही से समझ लीजिएगा ताकि आपका E1 का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? देखिए इस मशीन में E1 लिख रहा है, मशीन का सुई फंस गया था, ठीक है? ये चक्का घूम नहीं रहा है, ठीक है? ऑन कर दिए, ये ऑन करने के बाद में ये देखिए E1 लिख करके आ रहा है। अब इसका क्या इलाज है अभी करते हैं। सुई हमने निकाल लिया है, यहाँ से चाप भी निकाल लिया है, ठीक है? अभी देखते रहिए क्या करना है। इसको इसको ऐसे खोल लेंगे और इस सेटल को खोल लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। ये देखिए धागा फंसा हुआ है, इसी के वजह से E1 लिख करके आ रहा था, ठीक है? अब ये देखिए ये घूम नहीं रहा है, थोड़ा भी घूम नहीं रहा है। तो ये धागा जब तक निकलेगा नहीं, जब तक E1 लिख करके ही आएगा अगर इसको लगा दिया जाए तो, ठीक है? सेटल के अंदर अगर इस सेटल को लगा दिया जाए तो E1 ही लिख कर आएगा। ये धागा बिल्कुल यहाँ से आउट हो जाना चाहिए। तो ये धागा को आउट करने के लिए इसको घुमाना पड़ेगा, ये घूमेगा नहीं आपसे, ठीक है? इसलिए इसको तेल के अंदर पटक लीजिए, तेल के अंदर डाल लीजिएगा इसको, जब जाके इसको घुमाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं घूमेगा तो आप नया सेटल लगा लीजिएगा, ठीक है? नहीं घूम पा रहा है, इसको करते हैं रिजेक्ट, दूसरा उठाते हैं सेटल। ये सेटल ऐसे घूमना चाहिए, ये देखिए यही घूम रहा है इसके अंदर, ठीक है? घूम रहा है और ये वाला नहीं घूम रहा है, ये देखिए ये घूम ही नहीं पा रहा, थोड़ा भी हिल ही नहीं पा रहा, थोड़ा भी नहीं हिल रहा है। समझ में आ गया होगा आपको, और वीडियो में बने रहिए। और इसको सेटल कैसे कसा जाएगा उसके लिए आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, सेटल कैसे कसते हैं, ठीक है? इसको खोले हैं तो थोड़ा तेल का भी देख लेते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देख लीजिए इसमें तेल सही से नहीं दे रहा है इसमें।